की उपेक्षा की बात करी। तो मैं एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं 11 अगस्त 1942 को। मैं कहता हूं इस देश में बौद्धिकता को चुनौती देने वाला नचिकेता था तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले वे नाबालिग बच्चे थे जिन बच्चों को विद्यालय पहुंचाने के लिए मां पिता रोड क्रॉस कराने के लिए उनके साथ जाते थे। उस उम्र के बच्चों ने इस देश को स्वतंत्रता दिलाया। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर तिरंगा झंडा को फहराने के लिए जिन 7 लोगों की शहादत हुई वे कौन साथ हुए? उमाकांत सिन्हा 9वीं क्लास का छात्र, राम गोविंद सिंह 9वीं क्लास का छात्र, रामानंद 9वीं क्लास का छात्र, देवीपद चौधरी 9वीं क्लास का छात्र, सतीश झा 10वीं क्लास का छात्र, राजेंद्र कुमार 10वीं क्लास का छात्र, सिर्फ एक ही व्यक्ति थे जो इंटर के छात्र। 9वीं और 10वीं क्लास के छात्रों ने विलियम आर्चर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था जिसने कहा गोली चलाओ, एक एक करके शहीद होते गए और अंततः झंडे को पटना सचिवालय पर उनको उन्होंने फहरा कर छोड़ा। क्या आयु थी खुद राम बोस की, क्या आयु थी? पूरी स्वतंत्रता आंदोलन को उपनिवेशवादियों के अनुकूलता के अनुकूल जो उनकी अनुकूलता थी उसके अनुसार हमारी स्वतंत्रता आंदोलन को के इतिहास को लिखने की कोशिश हुई। सिर्फ इतिहास लिखने की कोशिश होती तो हम उसको आसानी से बदल लेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन की धारा को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अनुकूल ढालने की कोशिश हुई। एक मार्क्सवादी चिंतक है फ्रेंज फेनन ने एक बहुत अच्छी बात कही।